वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। और आज हमारा डे 6, जिसमें कि हम सीखेंगे डेली रूटीन। जैसे बहुत बार होता है जब हमसे हमारा डेली रूटीन है, भाई आप दिन भर करते क्या है। कभी कभी हमें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी योर डेली रूटीन, तो वहां पे समझ नहीं आता कि कैसे बोले। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको डेली रूटीन। लेट्स बिगिन। आप देखिए, जब भी हम डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे आपने कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं उठता हूँ, तो सबसे पहले के लिए हम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले। मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं उठती हूँ, तो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए, उठने के लिए हम गेटअप का भी यूज करते हैं, वेकअप का भी यूज करते हैं, दोनों का यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, गेट अप मतलब होता है जब आप बिस्तर से उठते हैं, तो मतलब जब आपकी आंख खुलती है। क्या कहा मैं, दोबारा कहती हूँ, ठीक है। वेकअप मतलब होता है जैसे विंटर में ऐसा होता है ना, हमारी आंख तो खुल जाती है, जैसे हम 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे हमारी नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है, लेकिन हम बेड में 10-20 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद उठते हैं, तो वो होता हमारा गेटअप। जब आंख खुल गई वो वेकअप, और जब हम बिस्तर से उठ गए वो होता हमारा गेटअप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेकअप मतलब मैं उठता हूँ। अब देखिए, जब भी आप टाइम की बात करते हैं, जैसे कि 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, हमेशा आपको यूज करना है एट। तो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप एट 10 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6। उसके बाद भाई, अच्छा उठते कैसे, या तो आप अलार्म से उठते होंगे, खुद से उठते होंगे, या जैसे भी। तो अगर आपको बोले कि मैं अलार्म से उठता हूँ, तो आप कहेंगे आई वेक अप टू माई अलार्म, मतलब कि मैं अलार्म से उठता हूँ, तो आएगा आई वेक अप टू माई अलार्म। आपको बोलना भाई मेरा अलार्म बजता है, तो आप कहेंगे माई अलार्म गोज ऑफ। इसका मतलब क्या है कि मेरा अलार्म बजता है, फिर आप क्या करेंगे, आप अलार्म बंद करते होंगे, तो बंद करने को बोलते टर्न ऑफ। तो आप कहेंगे आई टर्न ऑफ माई अलार्म, मतलब क्या इसका कि भाई मैं अलार्म को बंद करता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, बेड लगाते हैं, तो बेड लगाने के लिए बोलते हैं मेक द बेड, तो आएगा आई मेक द बेड, वी मेक द बेड, तुम लगाते तो यू मेक द बेड। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद हम नहाते हैं। अब देखिए, नहाने को हम 4 तरीके से कह सकते हैं। सबसे पहले टेक अ बाथ, हैव अ शावर, टेक अ शावर एंड टेक अ बाथ, ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम क्या कह सकते हैं, नहाना। तो आप कह सकते हैं आई टेक अ बाथ, राइट, जिससे आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टर मेकिंग द बेड आई टेक अ बाथ, या फिर आई हैव अ बाथ। नहाने के बाद क्या करते हैं भाई, ब्रश करते, तो आप कहेंगे आई ब्रश माई टीथ, है ना, आई पुट ऑन टूथपेस्ट, मतलब मैं ब्रश पे टूथपेस्ट लगाता हूँ। फिर क्या करते हैं, थूकने को बोलते हैं स्पिट आउट, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, शी इज स्पिटिंग आउट द टूथपेस्ट। तो स्पिट आउट द टूथपेस्ट का मतलब क्या है, इसको थूकना। फिर हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए क्या कहा जाता है, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो आप कहेंगे आफ्टर दैट आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आप टेक का भी यूज कर सकते हैं और हैव का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। आप कह सकते हैं आई टेक माई ब्रेकफास्ट या फिर आई हैव माई ब्रेकफास्ट। के बाद हम क्या करते हैं, अब ये आप ऐसे करते हो कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उसी के साथ आप मोबाइल देखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, या तो वो कार्टून देखते हैं या कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं, तो आप कहेंगे व्हाइल आई हैव माई ब्रेकफास्ट आई यूजुअली वॉच मॉर्निंग न्यूज। ऐसे हमारे पापा करते हैं, क्या करते हैं कि जब वो क्या करते हैं, जब वो खाना खाते तो उसके टाइम पे वो मॉर्निंग न्यूज देखते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे या तो कार्टून देखेंगे तो फिर मूवी देखेंगे। तो आप कह सकते हैं व्हाइल आई हैव माय ब्रेकफास्ट आई यूजफुली वॉच कार्टून या मूवीज। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है भाई, जब हम खाना खा रहे तो कोला भी करना होता है, तो कोला करने को हम बोलते हैं रिंस द माउथ। कोला करने को क्या बोलते हैं, द माउथ। बालों पे कंघी करते हैं तो उसको बोल रहे हैं ब्रश आउट माई हेयर, राइट, मतलब मैं अपने बालों को कंघी करती, तो आएगा आई ब्रश आउट माई हेयर। आप यहाँ पे नॉर्मली कॉम्ब का भी यूज कर सकते हैं, आई कॉम्ब माई हेयर। अब देखिए, इसके बाद हम तैयार होते हैं, तो तैयार होने के लिए मैं गेट ड्रेस का भी यूज कर सकती हूँ, गेट रेडी का भी यूज, दोनों तरीके करेक्ट हैं। आप ये कह सकते हैं कि आई गेट ड्रेस या फिर आई गेट रेडी, मतलब है कि मैं तैयार होती हूँ। फिर हम अपनी चीजें लेते हैं, जैसे कि अगर स्कूल जाते तो आप अपना टिफिन बॉक्स लेते होंगे, आप नोटबुक लेते होंगे, अगर आप ऑफिस जाते तो आप अपनी स्कूल की चाबी लेते होंगे, तो इन चीजों को लेने के लिए हम बोलते हैं ग्रैब। आप कहेंगे आई ग्रैब माई थिंग्स, जैसे कि आई ग्रैब माई नोटबुक, आई ग्रैब माई टिफिन बॉक्स, लाइक दिस।
फिर घर से निकलने के लिए हम बोलते हैं लीव होम, तो आप कह सकते हैं आई लीव माई होम, मतलब क्या है कि मैं घर से निकलती हूँ। अब या तो आप पैदल जाएंगे या तो कार से, तो अगर आप पैदल जाएंगे तो आप कहेंगे आई गो ऑन फुट, मतलब क्या है कि मैं पैदल जाती हूँ। आप स्कूटी जाते तो आप कहेंगे आई गो बाय कार। अब इसके बाद है, देखिए अगर आप स्टूडेंट है तो आप क्या करते होंगे, आप स्कूल पहुंचते होंगे तो आप कहेंगे आई रीच स्कूल, आई रीच माई स्कूल, है ना। अगर आप इसको, अगर आप क्या है वर्क करते तो आप कहेंगे आई रीच माई ऑफिस। अगर फिर आप कहेंगे आई वर्क ऑन कंप्यूटर, मतलब मैं कंप्यूटर काम करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करेंगे तो आप कहेंगे आई स्टडी। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ है तो आपको घर के काम करने पड़ेंगे, और घर के कामों को कहा जाता है होम चोर्स, तो आप कहेंगे आई डू होम चोर्स, मतलब मैं क्या करती हूँ घर के काम करती हूँ, पाएगा आई डू होम चोर्स। अब भाई जब हमने काम कर लिया तो लंच भी करना होता है। अभी मैंने आपको कहा था लंच करने के लिए तो आप टेक का यूज कर सकते, तो हैव का, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, तो आप कह सकते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई लंच, आई हैव माई डिनर। फिर आप घर वापस आते होंगे तो आप कहेंगे आई कम होम, आई कम बैक होम, बैक होम मतलब मैं घर वापस आता हूँ। फिर हम क्या करते हैं भाई, जब आप घर आ गए तो कुछ कुछ क्या है चाय पीते, तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर गेटिंग होम, घर पहुंचने के बाद आई टेक टी, मतलब मैं क्या करता हूँ चाय पीता हूँ, तो आएगा आफ्टर गेटिंग होम आई टेक टी। अगर आप मोबाइल चलाते तो आप कहेंगे आई ऑपरेट मोबाइल, अगर आप टीवी देखते हैं तो आप क्या कहेंगे आई वॉच। नेक्स्ट हमारा कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो शाम को घूमने भी जाते, तो कहाँ जाता है हैंग आउट, तो आप कह सकते हैं I hang out with my friends, या फिर आप कह सकते हैं I take a walk, मतलब मैं क्या करता हूँ walk पे चलता हूँ। सामने ladies देखे होंगे तो वो walk पे जाती है, है ना, तो आप कह सकते हैं I take a walk या फिर I hang out। उसके बाद भाई अब मैंने यहाँ पे कहा है कि at 9 I take dinner, मैंने यहाँ पे mention कर रखा कि मैं 9 बजे dinner करती हूँ, तो क्या आएगा at 9 I take dinner, मतलब 9 बजे मैं क्या करती हूँ dinner करती हूँ। और finally मैं सो जाती हूँ, तो finally मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था एंड करेंगे फाइनली, आएगा फाइनली आई गो टू बेड, आई हिट द स्टैक, आई हिट द हे, ये तीनों का मतलब ये है सो जाना, तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्या सेंस में, सोने के सेंस में। तो ये था हमारा डेली रूटीन। अब आपको क्या करना है, अपना अपना डेली रूटीन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, उसके बाद आपको स्पीक करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।